वेलकम ऑल अगैन एंड टुडे वी आर गोइंग टू बेसिकली टॉक अबाउट स्ट्रेस, कोपिंग विद स्ट्रेस, जो कि लाइफ स्किल्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. हमारी लाइफ में कितना स्ट्रेस है ना, कभी क्या करना है उसका स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, फाइनेंस का स्ट्रेस, बिल्स का स्ट्रेस, घर वालों का स्ट्रेस, घर और स्कूल का स्ट्रेस, बच्चों को एग्जाम्स का प्रेशर, कितना स्ट्रेस 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 स्ट्रेस. इसके अलावा भी लोगों की लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं जिनको शायद हम इस लेवल पे सोच भी नहीं सकते. बट क्या हमारे पास स्ट्रेस का सलूशन नहीं है? क्या हमारे लिए स्ट्रेस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है? इवेल्युएट करते हैं इस चीज़ को कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं या कैसे उस पर काम कर सकते हैं. तो जब मैं कह रही हूँ कम करने की बात, उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमें स्ट्रेस किस बात का है. ये समझना ज़रूरी है कि ओवरथिंकिंग और डीप थिंकिंग में क्या डिफरेंस है. ओवरथिंकिंग और डीप थिंकिंग का डिफरेंस मैंने लास्ट सेशन में भी कवर किया था कि ओवरथिंकिंग आप सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करते हो, डीप थिंकिंग में आप सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करते हो. अगर आपकी लाइफ को आपको लगता है कि आपको बहुत चीज़ों का स्ट्रेस है, तो उठाओ एक पेपर, उठाओ एक पेन, उस पर लिखो कौन कौन सी चीज़ों का स्ट्रेस है. अब सेकेंड कॉलम में लिखो ये स्ट्रेस मेरे पे डिपेंडेंट है या किसी और पे डिपेंडेंट है. लेट्स से एग्जाम का प्रेशर है, उसका सलूशन क्या होगा, आप अच्छी तरह प्रिपेयर करो. अब वो आप पे डिपेंडेंट है, प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ है. एग्जाम्स पहले ही पता था कि एग्जाम्स होने हैं, प्रेशर क्रिएट कब हुआ है, जब हमने टाइम पे उस चीज की तैयारी नहीं की, प्रेशर तब क्रिएट हुआ है. बॉस से झगड़ा हो गया, उसका स्ट्रेस हो गया, अरे क्या हो गया, अब कैसे करेंगे. तो वो कैसे स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, क्योंकि हमारे थॉट्स बॉस के थॉट से अलग थे और हम उनको सिंक नहीं कर पाए. तो उन थॉट्स को, उस प्रेशर को, स्ट्रेस जिसे हम कह रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में, अब स्ट्रेस फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है. स्ट्रेस होता है कि किसी माँ के बेटे की बहुत तबीयत खराब है, उसे बहुत स्ट्रेस है कि कैसे ठीक होगा. अब जब हम बात कर रहे हैं एक पेपर और पेन पर लिखने की, सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि स्ट्रेसर्स क्या हैं, किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है. उसके बाद हमें लिखना है 10 पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट. अब स्ट्रेस का क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है, सोचने वाली बात है. अब हम कहते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके कहते हैं कि माँ के बच्चा बहुत बीमार है, अब माँ जो है बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है. अब वो माँ क्या कर रही है, बार बार ये बोल रही है दुनिया को, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, हे भगवान कुछ कर दो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है. मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव वर्ड की जगह मैंने 10 बार वो नेगेटिव वर्ड बोला. अपने सराउंडिंग्स में मैंने कैसी एनर्जी क्रिएट करी, नेगेटिव एनर्जी. अब उस नेगेटिव एनर्जी से आपको लगता है कि मैं अच्छी वाइब्रेशंस भेज रही हूँ अपने आप को या अपने सराउंडिंग्स में, नहीं. अब वो क्या करना है, पहली सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, अपने दिमाग को उस नेगेटिव वाइब्रेशन से हटाना है. सॉल्यूशंस तभी निकलेंगे. अगर मैं सोचती हूँ कि मैं 10 बार दिन में नेगेटिव चीजें बोलूंगी और फिर मेरे साथ जादू से एक सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं होगा. पहले मुझे अपने माइंड को पॉजिटिव करना है. अब माइंड को पॉजिटिव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ नेगेटिव, मैं लिखूंगी. मैंने पेपर पेन लिया, उसमें मैंने लिखा मेरा बच्चा बीमार है, ये मेरा स्ट्रेस है. अब मैंने उसको काट दिया, उसके आगे मैंने क्या किया, मेरा बच्चा हेल्दी है. अब उस माँ ने क्या किया, उसके आगे लिखा कि मेरा बच्चा फिट एंड फाइन है. उसके आगे लिखा मेरा बच्चा अच्छी तरह वॉक कर रहा है, मेरा बच्चा सबके साथ अच्छी तरह खेल रहा है, मेरा बच्चा सबके साथ अच्छी तरह बोल रहा है, मेरा बच्चा अच्छी तरह स्कूल जा रहा है, या मेरा बच्चा बहुत खुश है लोगों के साथ. 10 अच्छी चीज़ें लिखी मैंने उसके बारे में. अब 10 अच्छी चीज़ें लिखने के बाद क्या हुआ, अभी क्योंकि मैंने 10 दिन इतना नेगेटिव बोला तो एक बार में तो जादू होगा नहीं. अब मुझे उन 10 अच्छी चीज़ों को दिन में 10 बार रिपीट करना है, और तब तक रिपीट करना है जब तक मुझे ये बिलीव ना हो जाए कि ये चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ में या ये चीज़ें होंगी मेरी लाइफ में. तो मैंने अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, मैंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया, अब मैं सोल्यूशन की तरफ जाऊँगी. सोल्यूशन क्या होगा, अब ये नहीं होगा कि मैंने लिख ली और जादू हो गया, अब मुझे इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा.
एक्शन क्या, जो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास तो मैं पहले भी गई थी, पर अब नया क्या हो गया, आपने पॉजिटिव कि हाँ ये ठीक है, पहले से बेटर है, ये अच्छा कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, ये ठीक हो रहा है, वो थॉट प्रोसेस से जाओगे, आप खुद देखोगे आपकी एनर्जी में चेंज, सामने वाले की एनर्जी में चेंज, आपके बच्चे की एनर्जी में चेंज। ये इस तरह से चीजें काम करती हैं। अगर आपने लुईस हे की बुक पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि कैंसर जैसी बीमारी भी लोग ठीक कर सकते हैं, इवन दे आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, जस्ट बाय पॉजिटिव थॉट। तो आप क्यों नहीं अपनी वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग कर सकते हैं कि बस पॉजिटिव थॉट से चीजें चेंज हो जाए। बट इट हैज टू बी डेफिनेटली यू, वो आपको करना पड़ेगा, वो आपके अंदर से आना चाहिए। मेरे कहने से या किसी और के कहने से कोई जादू नहीं होगा, ये आपका बिलीफ होना चाहिए कि इट विल हैपन। अब दूसरा एग्जाम्पल लें, बॉस से लड़ाई हो गई या बॉस से नहीं बन रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, 10 बार मैंने दिन में बोल दिया अरे मेरे बॉस से लड़ाई हो रही है, मेरा बॉस तो ये है, मेरा बॉस तो वो है, मेरा बॉस ने ये किया वो किया। अब टू बी इन हार्मनी विद दिस प्रोसेस, व्हाट आई विल राइट, आई एम इन हार्मनी विद माय बॉस, आई एम इन हार्मनी विद माय सीनियर्स, आई एम हैप्पी विद माय सीनियर्स, वी आर वर्किंग इन सिंक, वी आर वर्किंग टुगेदर एंड वी आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवरसेल्व्स, वी आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंपनी। तो हमने क्या किया, पहले अपनी एनर्जी को चेंज किया, फिर हम एक्शन लेंगे। तो जब तक आपका बिलीफ सिस्टम पहले एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा है, आप हमेशा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहोगे। तभी कहते हैं मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में क्या होता है कि आप अपने ब्रेन को काम करते हैं एंड देन यू थिंक द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट। अब आपसे आप नहीं मेडिटेट कर पा रहे हो, आप फाइनेंशियल प्रेशर है बहुत सारा, आप नहीं माइंडफुलनेस कर पा रहे हो, तो राइट डाउन योर थॉट्स, दैट इज व्हाट यू कैन डू। और ये सोच के मत करो कि ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा, ये सोच के करो कि प्रॉब्लम मेरी है, सोल्यूशन मुझे निकालना है, जवाब मेरे पास है इसका और मैं ये कर सकता हूं। जब आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव से पॉजिटिव, डिपेंडेंट से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा ना, यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ एंड आई कैन गारंटी यू दैट यू विल फील द ओवरवेलमिंग पावर इन यू, यू विल फील द ग्रेटिट्यूड इन यू दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू योर लाइफ। सो उस एनर्जी को चेंज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। पहला क्वेश्चन अब अपने आप से ये करना है कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी और आई वॉन्ट टू बी सैड, आई एम इंजॉइंग द पेन और आई एम हैविंग द पेनफुल सिचुएशन और आई एम इन द पेन जस्ट बिकॉज आई एम इंजॉइंग द पेन, आई एम गेटिंग द सिंपैथी फ्रॉम अदर्स। कभी कभी क्या होता है, हमें लोगों की सिंपैथी की आदत पड़ जाती है, हम ये सोचते हैं कि कोई आके हमें मनाए तब हम ठीक हो जाएंगे। क्यों, आप में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि आप खुद अपने मना सको, आप क्या अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते? आपको खुश रहना आपकी चॉइस है, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कैसे बाहर निकलना है ये आपकी चॉइस है। स्ट्रेस को स्ट्रेस ना मान के चैलेंज मानो कि वाह चैलेंज, अब ये चीज हमें करनी है ताकि मैं एक कदम आगे बढ़ूं। सो वर्क ऑन दैट, दिस इज अ इजी वे ऑफ कोपिंग विद सब्स, इसमें कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं आपके, किसी को ना मारना है, किसी को पीटना है, ना किसी से बहस करनी है, सिर्फ अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, सेल्फ एनालाइज करना है, सेल्फ पॉजिटिव थॉट्स लिखने हैं और एक्शन लेना है। इट्स दैट सिंपल, जस्ट डू इट एंड चेंज योर लाइफ एंड बी हैप्पी। यू हैव द पावर टू बी हैप्पी, यू हैव द पावर ऑफ योर चॉइसेस। सो बी हैप्पी, स्टे फोकस्ड ऑन योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ।